देखिए इस वीडियो में हम लोग शेयरिंग ब्रिज पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसमें हम लोग जैसे मैक्सविल ब्रिज को किया था, हेस ब्रिज को किया था, उसी तरह से हम लोग इस ब्रिज को भी करेंगे। इसमें भी हम लोग इम्पीडेंस को ही निकालेंगे। तो पहले देखिए हम Z1 के ब्रिज को निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो हमने इसको सीरीज में इसको इस तरह से कर दिया है। और यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू आ जाएगा RFJ(C1+1)J(C1)। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे Z2 क्या आएगा, Z2 आएगा R2, और Z3 आएगा, Z3 क्या आएगा, ये दोनों हमारे पैरेलल में लगे हैं, तो R3 यहाँ पे इंटू का 1/J(C2)R3+1/J(C2)। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। अब Z4 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे C3 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/J(C3)। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों का आर्म का इंटू, यानी कि हमारा Z1 Z3 इज इक्वल टू Z2 Z4, ये होता है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देंगे जेड की। ठीक है, ये देखिए हमने सारी जेड की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे देखिए हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया, बस हम इनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद इमेजिनरी को एक साइड और रियल पार्ट को एक साइड करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम इसका इंटू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी कैलकुलेशन किया है, हमने क्या क्या है देखिए, पहले हमने यहाँ पे देखिए इसका इंटू इससे कर दिया और फिर इसका इंटू इससे कर दिया, तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब देखिए हमने इसका इंटू इससे किया, इसका इंटू इससे किया, तो इससे किया है, तो देखिए हमारा यहाँ पे J²(Omega²C1R(X)C3R(3) बन रहा है। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, और इससे किया तो J(Omega C3R3) बन रहा था, तो ये हमने कर दिया इज इक्वल टू R2 का, इसके साथ करना था तो R2 ऐसे रहा, और ये हमने ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया। और ये अब हमने इसका जो इंटू इस सबके साथ कर दिया, क्योंकि इसका इंटू इसके साथ होना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए J²(Omega²) फिर C3R C1 RX R3+ इसका भी कर दिया है, तो J(Omega C3R3)। अब इसका इंटू मैंने इसके साथ कर दिया, तो J²(Omega²C1C2R3R2) हो गया, प्लस J(Omega C1) ये R2 का इंटू था, तो ये आ गया है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट J होता है, ये हमारा J² यहाँ मतलब इसका मान होता है -1, J² का मान होता है -1, तो यहाँ पे हमारा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जाएगा -Omega²C3C1RX R3+J(Omega C3R3) इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा -Omega²C1C2R3R2+J(Omega C1R2। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारा रियल पार्ट है उसको एक साइड और जो इमेजिनरी है उसको एक साइड, ये देखिए इसमें कहीं भी जे नहीं है, तो हमारा रियल हो गया इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा J²C1C2R3R2 माइनस का ये लिख देंगे हम लोग Omega²C3C1RX R3 इज इक्वल टू J(Omega C1R2), ये माइनस का आ जाएगा J(Omega C3R3)। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक बार जीरो के इक्वल मानेंगे, फिर एक बार इसको जीरो के इक्वल मानेंगे। इसको जीरो के इक्वल मान लिया, अब इसको ये देखिए एक साइड हो जाएगा, तो यहाँ हमारा जाएगा Omega²C3C1RX R3 इज इक्वल टू Omega²C1C2R3R2। तो यहाँ हमारा RX की वैल्यू निकालना है, तो RX एक साइड रखेंगे, C1C2R3R2 अपॉन का Omega²C3 यार ये वाला C1 और R3। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है C3 है यहाँ पे नहीं है, C1 है ये है, R3 है ये है, हमारा आ जाएगा RX इज इक्वल टू C2R2/C3, ये हमारी वैल्यू आई है। अब इसी तरह हम इसको करेंगे, तो
तो इसका इमेजिनरी इसको हम अलग करेंगे तो यहाँ जे ओमेगा सी वन आर टू माइनस जे ओमेगा सी थ्री आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे जे ओमेगा तो कॉमन है तो यहाँ पे माना जाएगा सी वन। इस वीडियो में जहां भी सी वन है वहां पे सी एक्स हो जाएगा क्योंकि लिए हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। देखिए यहाँ पे हमारा सी एक्स है और हमने यहाँ पे सी वन कर दिया था, इसी वजह से सारे हमने सी वन कर दिए थे। अब यहाँ पे जहाँ पे सी वन है वहां पे सी एक्स कर देंगे और सी एक्स का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमने कर दिया है और यहाँ पे देखिए सी एक्स आर टू माइनस सी थ्री आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है अब देखिए यहाँ पे हमारा ये देखिए यहाँ पे हमने ये इस साइड जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग ने एक साइड कर लिया, इसका माइनस था इधर आगे प्लस हो गया तो सी एक्स की वैल्यू हो जाएगा सी थ्री आर थ्री बाई आर टू। ठीक है यही हमारी वैल्यू है। आप जिस तरह से हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं उसी तरह अगर बनाएंगे तो ये आपकी वैल्यू ये आएगी वरना नहीं आएगी। हम इसी वीडियो में एक और ब्रिज देखते हैं दी सॉटी ब्रिज, ये भी बहुत इजी होता है। इसका भी इम्पीडेंस बस निकालना है। देखिए जेड वन इज इक्वल टू वन अपॉन जे ओमेगा सी एक्स हो जाएगा, जेड टू इज इक्वल टू आर टू हो जाएगा, जेड थ्री इज इक्वल टू आर थ्री हो जाएगा, जेड फोर इज इक्वल टू वन अपॉन जे ओमेगा सी फोर हो जाएगा। ये सबसे इजी ब्रिज है इसीलिए हम इसको बता रहे हैं कि एक ही वीडियो में क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा जेड वन जेड थ्री इज इक्वल टू जेड फोर जेड टू। ठीक है इन दोनों का इंटू और इन दोनों का इंटू का इक्वल है। ठीक है अब देखिए जेड वन हमारा क्या है वन अपॉन जे ओमेगा सी एक्स और जेड थ्री है यहाँ पे हमारा आर थ्री इज इक्वल टू जेड फोर है वन अपॉन जे ओमेगा सी फोर और जेड टू है आर टू। यहाँ पे हम देखिए करेंगे यहाँ पे आर थ्री अपॉन जे ओमेगा सी एक्स इज इक्वल टू आर टू अपॉन जे ओमेगा सी फोर, इसका इंटू इधर हो जाएगा तो यहाँ जाएगा आर थ्री जे ओमेगा सी फोर इज इक्वल टू आर टू जे ओमेगा सी एक्स। और यहाँ पे देखिए सी एक्स इज इक्वल टू आर टू जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा आर थ्री सी फोर। तो यहाँ से जे ओमेगा कैंसिल, सी एक्स इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर थ्री और सी फोर, यही हमारा आंसर आएगा। ये देखिए हमारा इसके अपॉन में ये जाएगा यानी सी एक्स इज इक्वल टू आएगा आर क्यूब जे ओमेगा सी फोर अपॉन का आएगा आर टू जे ओमेगा जे। अब ठीक है यहाँ पे जे ओमेगा कैंसिल होगा सी एक्स इज इक्वल टू आर थ्री सी फोर बाई आर टू, ये आएगा आंसर। यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे हमने मिस्टेक ये कर दी थी कि हमने सी एक्स को देखा नहीं, यहाँ पे सी फोर की जगह हमने सोचा कि सी एक्स है। ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, आपने ये देखी इस तरीके से हम लोग उसको करेंगे और सर्किट डायग्राम इसी तरीके से बनाइएगा तभी ये आंसर सेम आएगा। आपको बहुत ही ध्यान देना है डायग्राम पे और यहाँ पे हम एक डिडक्टर लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होती है, ये हमारी जो सर्किट है उसको बैलेंस करता है।